हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड माय चैनल। तो आज का प्लान है ये, आज मैं कोई खाना नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि खाना नहीं बना रहे हैं तो फिर खाने में खाएंगे क्या, वो भी डिनर में। तो बात आज कुछ ऐसी है, हम बहुत ज़्यादा मतलब रोज खाना बनाते हैं तो थक जाते हैं। आज हमारा प्लान है कहीं जाने का, कहाँ जाने का है वाह वीडियो में आगे देखना, बट वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे कि मेरा चैनल भी ग्रो हो और आगे बढ़े। और ये आवाज आपको मेरे नौटंकी बेबी की आ रही है। मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाऊं, कुछ भी करूं, ये उसमें आपको मिलेगा जरूर। और ये हमारे पूरे घर की बहुत ही प्यारी और क्यूट सी चीज है। तो आप चलिए हमारे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या लेंगे, क्या रखेंगे और कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने रेस्टोरेंट में। काफ़ी ज़्यादा ठीक है, अच्छा था अंदर से। और बाकी आप लोग देख लो हमारे साथ में, जब हम वहाँ अंदर सबसे पहले पहुंच गए, हमें आदि को सबसे अच्छे से बिठाना होता है, नहीं तो ये भाई साहब इतनी मस्ती करता है कि मैं इसको संभाल ही नहीं पाती हूँ। और जहाँ पर भी जाता है अपने टॉयज तो लेके ही जाता है। तो चलो बात करते हैं रेस्टोरेंट की। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतना भी नहीं है कि सारी डिशेज सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हों, बट काफ़ी अच्छी हैं और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग भी देख लो, बहुत बड़ा नहीं था और छोटा भी नहीं था। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लेना क्या है खाने में। मैं इनको बोल रही थी ज़्यादा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लेंगे जिससे कि इसका अच्छे से टेस्ट ले पाए और खाना ज़्यादा वेस्ट भी ना हो। तो वही सोच रही कि अभी लेना क्या है, क्योंकि पहले काफ़ी देर तो यही डिस्कस करना पड़ता है कि लें क्या। और इधर आदि अपने खेले लगे हुए हैं, बाकी भैया हमारा ऑर्डर ले रहे हैं, अब वो ले जाएंगे और जल्दी से फिर ले आएंगे, फिर हम दिखाते हैं। बाकी भैया प्लेट्स वगैरह सब लेके आए और काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे क्लीन थे यहाँ पे, और वो एक बार के बुलाने पे भी तुरंत से ही आ गए थे। आ गया है हमारा बटर चिकन, ये था मटन कौरमा और हमने लच्छा पराठा लिया था साथ में, और बाकी प्याज वगैरह चटनी तो थी। और चलिए खाके बताते हैं कैसा है। मैंने तो बटर चिकन मंगवाया था स्पेशली क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है। बाकी मैंने इसमें डलवाया थोड़ा सा प्याज और बोला कि इसमें मतलब प्याज के ऊपर थोड़ा ग्रीन चटनी होती है तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाकी आप लोग उस पर डालते नहीं, आप लोग बताना ज़रूर आपको कैसे अच्छा लगता है। पर मैंने ये बटर चिकन खाया था, मुझे अब तक का सबसे बेस्ट यही लगा था। आदि को खिलाया बट देखो उसने खाया नहीं, ये बिल्कुल कुछ नहीं खाता है। बाकी आप लोगों को हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये था कीमे का स्टफ़ पराठा नहीं नान था, और मीठे में हम लोगों ने गुलाब जामुन लिया जो कि गर्म गर्म एकदम टेस्टी था। ज़्यादा खाने का मन नहीं था इसलिए हमने थोड़ा ही लिया था। खाने में बहुत ज़्यादा वो अच्छा लग रहा था, ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये गर्म भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये रेस्टोरेंट का रिव्यू इन्होंने हमसे लिखा है और फिर हम लोग बस जल्दी से निकल लिए। और आदि अपनी ही मन मर्जी से चलता है तो वॉचमैन को देख के वो हंस रहा था कि हेलो, मतलब वो सबको अच्छे से स्माइल दे के सबको बोलता है। बाकी इसीलिए सोसाइटी में सब लोग इसको हैप्पी बेबी बोलते हैं, मतलब हमें कहना नहीं पड़ता, वो सबको इतनी प्यारी सी स्माइल पास करता है कि लोगों का मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बाकी चलते हैं हम लोग घर, खाना बहुत टेस्टी था, जगह बहुत अच्छी थी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, और घर आके इनका सनग्लासेस अनबॉक्स किया और उसको पहन के थोड़ा सा स्टाइल मारा। तो चलिए चलते हैं, बाय।